जनपद बुलंदशहर की गुलाब की पुलिस ने मंदिरों से चोरी करने वाले 3 छात्र चोर के गिरफ्तार। बुलंदशहर रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सम्मेलन कक्ष में प्रेस वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने किया घटना का सफल अनावरण। संतोष कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्त छात्र किस्म के चोर हैं जो मंदिरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। देखिए, गुलावटी थाना पुलिस और उनके साथियों के द्वारा एक बहुत ही अच्छा गैंग वर्कआउट किया गया है जो पूरे मेरठ रेंज में घूम करके मंदिरों में चोरी का काम कर रहा था। और अगस्त सितंबर और अक्टूबर के महीनों में इनके द्वारा कई मंदिरों में चोरियां की गई। इसमें 3 अभियुक्त हैं, एक जावेद है जो मसूरी गाजियाबाद का रहने वाला है, दूसरा शेर खान है जो हरिद्वार का है, तीसरा इमरान है जो हापुड़ जनपद का रहने वाला है। और हमारे जनपद में 15/16 की रात में सितंबर महीने में सिकंदराबाद में एक जैन मंदिर में चोरी छत काट करके इन्होंने की थी और छत्र मुकुट आदि वहाँ से उठाकर ले गए थे। इसके बाद फिर परतापुर जैन मंदिर है, वहाँ पे 18 अगस्त को इस टीम के द्वारा चोरी की घटना की गई थी। 23/24 सितंबर की रात में गुलावटी थाने के पंचायती मंदिर में इनके द्वारा चोरी की गई। छत्र मुकुट आदि जितने भी मूल्यवान सामान वहाँ थे वो चुरा करके ले जाए गए थे। फिर अक्टूबर महीने में इन्होंने मुरादनगर गाजियाबाद में एक जैन मंदिर में चोरी की घटना की थी। तो कुल मिला के इस गैंग शुद्ध रूप से मंदिरों को टारगेट करता था, विशेष रूप से जैन मंदिरों को। इस गैंग को पकड़ने के बाद इनके कब्जे से भारी मात्रा में मंदिरों से चोरी गए सामान बरामद किए गए हैं जो आपके सामने हैं। इनका मूल्य लगभग 5 लाख से अधिक रुपये का है। साथ ही साथ चूँकि ये लोगों की आस्था से जुड़ा मामला था और मंदिर में चोरी की घटना को लेकर के लोगों में एक आक्रोश भी था, तो इस तरह से हम उस आक्रोश को ख़त्म करने और रियल गैंग को वर्कआउट करने में सफल रहे हैं। जहां तक इनके आपराधिक इतिहास का प्रश्न है, जावेद के विरुद्ध 12 मुकदमे हैं, शेर खान और इमरान के खिलाफ 7-7 मुकदमे दर्ज हैं। इनके कब्जे से तमंचा कारतूस आदि भी बरामद किया गया है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।